इंटीग्रेशन लेको, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है ना, लिखो, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ऐसा रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये मान लो आपको दे रखा है जी ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा इंटीग्रेशन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, लिखने का एक तरीका होता है, जैसे डी बाई डी एक्स आपने कर दिया ना, इसका मतलब क्या है, इस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स, तो एफ का डेरिवेटिव जो है जी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लिखने का तरीका, इस आइटम का मीनिंग क्या है, इस आइटम का मीनिंग है जी ऑफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये क्या है, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, एफ एक्स आ जाएगा, अगर f का डेरिवेटिव g है तो g का इंटीग्रेशन जो है f आएगा, ठीक है ना, ऐसा, अगर f का डेरिवेटिव जो है, f का डेरिवेटिव जो है g है तो g का इंटीग्रेशन जो है f आएगा, ठीक है सर। अच्छा यहां पर जो है प्लस सी और आ जाएगा ना, यहां पर जो है प्लस सी और आ जाएगा, उसका रीजन क्या है भी, क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस है ना, तो इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव जो है जी आ रहा है, ठीक है ना। इन जनरल अगर बात करें तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, तो हर बार आपको एक कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, लिख लो, जो सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो सी है दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और रीजन क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने का, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। रिवर्स प्रोसेस में क्या है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखो, डिफरेंशियल है ना, अगला अगला टाइटल है डिफरेंशियल्स, अगला टाइटल है डिफरेंशियल्स, ठीक है ना, डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, इनफिजिबल चेंज, ठीक है ना, इनफिजिबल चेंज, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है सर, तो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, ठीक है ना, डीवाई बाई डी एक्स जो है वो टू एक्स आ जाएगा, डी एक्स उधर उचका दिया, ठीक है ना, डी एक्स उधर उचका दिया, तो उधर उचका के कितना आ जाएगा, डीवाई इज इक्वल टू, डीवाई इज इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनफिजिबल चेंज इन वाई है ना, इनफिजिबल चेंज, ठीक है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई जो है वो कितना आएगा, टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई इनफिजिबल चेंज इन एक्स, ठीक है ना ऐसा। अगर वाई जो है एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशियल ऑफ वाई कितना आ जाएगा, टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना। डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है ना, डी वाई क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई, लिख डालो। बेसिकली क्या करना होता है, डिफरेंशियल निकालने के लिए, जैसे वाई का आपको डिफरेंशियल निकालना है तो इफेक्टिवली आपको डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल में जो है कोई खास अंतर नहीं है, डिफरेंशिएशन से ही जो है डिफरेंशियल आता है, ठीक है सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है सर, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है सर, तो डिफरेंशियल ऑफ y जो है कितना आ जाएगा, dx उधर उचका दिया, ठीक है ना, dx उधर उचका दिया, ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना, ये डिफरेंशियल आ गया, डिफरेंशियल चेंज इन y, ठीक है सर। अच्छा y इज इक्वल टू अगर दे रखा है साइन x, तो डिफरेंशियल कितना आएगा, cos x dx आ जाएगा ना, dy इज इक्वल टू cos x dx आ जाएगा, ठीक है ना, dy इज इक्वल टू cos x dx, ठीक है ना, ऐसा ये डिफरेंशियल हो गया। आज लिखो, एक एक नोट करके लिख लो, एक पॉइंट है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हर चीज का एक एंटी होता है ना, ठीक है, हर चीज का एक एंटी होता है, लिख लो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन,
नीड नॉट बी पीरियोडिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो साइन एक्स, थोड़ा और आसान एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस एक्स प्लस वन। हाँ भी तो ये इसका जो इस फंक्शन का पीरियड बताओ क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वन जो है उस फंक्शन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड कितना है, 2π, और वन का, वन पीरियोडिक है या नहीं है, वाई इज इक्वल टू वन इज पीरियोडिक और नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको आंसर देना है, आपको बोलना है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू वन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, वो पीरियोडिक है या नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ जी, ये y इज इक्वल टू वन फंक्शन पीरियोडिक है नहीं है, पीरियोडिक है, और पीरियड क्या है फिर, अगर पीरियोडिक है तो कुछ पीरियड आएगा है? हाँ भी y इज इक्वल टू वन जो है वो पीरियोडिक है, पर उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होता। हाँ वो पीरियोडिक होते हैं, वो रिपीट तो होते हैं, पर किस अंतराल पर होते हैं इसका अनुमान लगा पाना जो है संभव नहीं है, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू वन इज पीरियोडिक, ठीक है ना, तो इस टोटल फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो आएगा 2π, ठीक है ना, ये फंक्शन 2π पर रिपीट हो रहा है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2π, याद है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए हमेशा, हर एक टी स्मॉल पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा, तो ठीक है वो पीरियड कहलाता है, तो आ रहा है ना एफ ऑफ एक्स प्लस 2π, दुनिया में जहां जाए x, x की जगह 2π रख दिया, तो cos 2π प्लस थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा, और वन का तो क्या है, वन ही रहेगा, तो क्या गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, लिख लो, लिखो है ना, लिखो, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पीरियड द फंक्शन इज 2π, ठीक है ना, ये फंक्शन पीरियोडिक है और पीरियड 2π है, cos x प्लस 1 जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इज 2π। अच्छा इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है ना, कॉज एक्स प्लस वन डी एक्स, भाई कॉज एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, हाँ भाई ये कॉज एक्स किस चीज का डेरिवेटिव, उल्टा सोचो, उल्टा, ठीक है ना, उल्टी खोपड़ी होनी चाहिए आपकी, जैसे बोलते हैं ना ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, ठीक है ना, या जो भी है, कॉज एक्स, ठीक है, कॉज एक्स साइन एक्स, शाबाश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया ना, साइन एक्स, और वन, वन किस चीज का डेरिवेटिव है, जानते रखो, हाँ वन जो है वो, हाँ ठीक है ना, वन, और प्लस कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तुम ये बताओ, साइन एक्स प्लस वन जो है ना, साइन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस वन, इस चीज का पीरियड क्या है, 2π, पूछो, हाँ इस फंक्शन का पीरियड क्या है, 2π, हाँ तो मैं उसको क्या चिड़ा रहा हूँ क्या, हाँ तो आर्यन, साइन एक्स प्लस एक्स का पीरियड क्या आएगा सर, 2π। हाँ भाई इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा, साइन एक्स प्लस एक्स का, हाँ तुम बताओ ये साइन एक्स प्लस एक्स का पीरियड कितना आएगा, पता नहीं, लफड़ाई का था, हम तो नहीं जानते, लो कर लो, क्या कर लोगे, हाँ क्या आएगा, पीरियडिक नहीं है, ये पीरियडिक नहीं है, एलजेब्रा पीरियडिक नहीं होता है, ठीक है ना, एलजेब्रा प्लस कुछ भी लफड़ा हो जाए तो क्या आ जाएगा, पीरियडिक नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉट पीरियडिक, ठीक है ना, क्या इसका फंक्शन का पीरियड पाई, ठीक है ना, कैसे रिपीट होगा, ये लाइन रिपीट होगी क्या, लाइन और ये पैराबोला के रिपीट होते हैं, ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स लिखी हुई है, कहाँ रिपीट होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रोक रही है, दूसरी दुनिया में जाके डिफाइन करोगे, लिखो नॉट नॉट पीरियडिक, ठीक है ना, दिस इज नॉट पीरियडिक, तो कॉज एक्स प्लस वन जो है पीरियडिक था, उसका इंटीग्रेशन जो है नॉट पीरियडिक, ठीक है ना, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियडिक, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है पीरियडिक नहीं है, ठीक है ना, एलजेब्रा पीरियडिक नहीं होता ना, एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, किसी प्रकार का एलजेब्रा आप ले लें वो पीरियडिक नहीं आता, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का एलजेब्रा, एलजेब्रा समझ में आता ना, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स क्यूब, ठीक है, इस टाइप का, वो कभी पीरियडिक नहीं आएगा, ठीक है सर, तो दिस इज नॉट पीरियडिक, ठीक है ना, ये वही अपन ने नोट लिखा है, ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं ना इंटीग्रेशन, लिखो
एक बॉक्स बना लो ना, एक बॉक्स बना लो, लिखो फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन जिसके हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, वन करके ना, वन करके मैं भी आपको बॉक्स बनाना बता दूंगा, ठीक है ना। वन का ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx, ठीक है ना, एक्स की पावर एन, जैसे आपने एक्स की पावर एन, दो तीन चीजों का ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इंटीग्रेट करते टाइम दो तीन चीजों का ध्यान रखना। एक तो भी क्या है कि चेन रूल है ना, चेन रूल का ध्यान रखना, जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा तो चेन रूल में क्या क्या फंडे लगे, ठीक है ना, ऐसा चेन रूल याद है ना, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, तो वैसे इंटीग्रेशन के बारे में सोचना। अच्छा, इस ये फंक्शन जो है किसको डिफरेंशिएट करने से आया होगा, तो एक दो चीजें मिस मत करना, दैट इज वन ऑफ देम इज चेन रूल, ठीक है ना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना ऐसा। तो भाई किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्स की पावर एन आया होगा ना, इस बात की फील होनी चाहिए कि डिफरेंशिएट करने पर क्या है, डिफरेंशिएट करने पर एक डिग्री कम हो जाता है, तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, एक डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या आएगा आंसर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव ना, इमेजिन करो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर कितना आएगा, एन, तो जो एन प्लस वन आया ना मल्टीप्लाई करके वो इस एन प्लस वन से कट जाएगा, ठीक है ना सर। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना, एक्स की पावर एन प्लस वन। अच्छा, इसी का जो है चेन रूल के हिसाब से अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आएगा एन प्लस वन, ठीक है, ऐसा ऐसा आएगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, एन प्लस वन, एन प्लस वन तक कट जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना आएगा, एन, ठीक है ऐसा। परंतु उसके बाद क्या, फिर आप इसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, थीटा की पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आएगा, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय थीटा की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी एक्स, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, इसको जो है वन बाय ए से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, वन बाय ए से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल में डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये ए से मल्टीप्लाई होगा, ए को काटना भी था आपको, ठीक है ना, तो ये ए से डिवाइड होगा, लिख डालो प्लस सी। थोड़ा सोचो, इसका डेरिवेटिव जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना ऐसा, की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन से कट जाएगी, की पावर एन आएगा, इसका डेरिवेटिव जो है कितना आएगा, ए, तो उसको आपको काटना भी था, चेन रूल में क्या है मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना डेरिवेटिव, ठीक है ना ऐसा। तो यहां पर क्या है, आपको डिवाइड करना है, उसका उल्टा प्रोसेस क्या है, डिवाइड करना है। दिस इज बॉक्स नंबर वन, ठीक है, दिस इज बॉक्स नंबर वन। ये फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है सर। ऑफ कोर्स यहां पर एन का वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं है ना, एन का वैल्यू जो है माइनस वन नहीं है, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन माइनस वन नहीं है, ठीक है ना, एन माइनस वन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो इन्हीं सवालों पर ना, इन्हीं बस इन दो इंटीग्रेशन पर ही सवाल है, ठीक है सर। लिखो इंटीग्रेशन ई की पावर एल एन ऑफ रूट एक्स डी एक्स e की पावर एल एन थीटा कितना आ जाएगा, रूट एक्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है रूट एक्स डी एक्स, समझ में बात, सिंपली लिखा हुआ रूट एक्स, रूट एक्स के एक्स की पावर वन बाई टू, एन का वैल्यू कितना आया, वन बाई टू, एन वन बाई टू, इसका मतलब कितना आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन, है ना, वन बाई टू प्लस वन, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू आ जाएगा, ठीक है सर, प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है भाई, माइनस वन जो अंदर लेगा, ठीक है ना, माइनस वन अंदर ले जाने का मतलब क्या है, एल एन ऑफ इसकी पावर माइनस वन,
एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन कितना आ जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली लिखा हुआ है वन बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा है, एक्स की पावर माइनस टू, एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस वन बाय एक्स वो दिख भी रहा है, माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ वन अपॉन e की पावर x dx, भैया क्या लिखा है, e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ln ऑफ e की पावर माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स लिखा है dx, माइनस तो क्या बाहर में, ठीक है ना, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। माइनस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना, प्लस सी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, इसका आंसर याद कर लेना, ठीक है ना, इसका आंसर जो है याद कर लेना, dx डिवाइडेड बाय वन बाय टू रूट एक्स, किसका डायरेक्टिव लिखा है, उल्टा सोचो, उल्टा रूट एक्स, ठीक है ना ऐसा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर याद कर लेना, रूट एक्स का डायरेक्टिव होता है वन बाय टू रूट एक्स, और वन बाय टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स, ठीक है सर, रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ln 2 प्लस ln x dx, ln 2 प्लस ln x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है ना, 2x e की पावर ln थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 2x ही लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 2x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ln x dx, ये क्या लिखा हुआ है, m, m ln x कितना आ जाएगा, x की पावर m आ जाएगा, तो e की पावर ln ऑफ x की पावर m, वो कितना बन जाएगा, x की पावर m बन जाएगा, तो सिंपली लिखा हुआ है x की पावर m dx, x की पावर m का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाय m प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर ln x dx, प्लस वन माइनस वन, हाँ जी, बचपन में आपने ये पढ़ा होगा ना, a की पावर, a की पावर log ऑफ b बेस c, ठीक है ना, ये बराबर आता है, ठीक है ना, ये बराबर आता है, ये और ये नंबर है ना, b और a को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, c इंटैक्ट रहेगा, तो बराबर आएगा b की पावर log ऑफ a बेस c, ठीक है ना, ऐसा ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है, ऐसा फंडा क्या है, बेस चेंज थ्योरम लग जाएगा ना, खटाखट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा दो सेकंड का प्रूफ है, तो ये आइटम जो, ये आइटम किसके बराबर आएगा, दो और x को जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लॉग का बेस क्या है, e, वो इंटैक्ट रहेगा, तो आ जाएगा x की पावर ln 2 dx, ठीक है ना, ऐसा, तो x की पावर n वाला बन गया ना, x की पावर n वाला इंटीग्रेशन बन गया, x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा,
ये आ जाएगा x की पावर ln 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना सर। x की पावर ln 2 और 2 की पावर ln x जो है सेम आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का क्यूब dx। शाबाश, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 की पावर 9 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। सही है, 2x प्लस 7 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना ये। और फिर क्या है, लीनियर जो है ना, यहां पर जो लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन आप क्या इमेजिन करें, पहले तो इमेजिन करें थीटा की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ठीक है। और थीटा जो है क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, लीनियर फंक्शन ऑफ x, और लीनियर में जो x का कोफिशिएंट आए उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना, ऐसा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2 और प्लस सी और आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। कर लेते हैं जल्दी, हाँ है गलत है। नेता नेता है, क्या किया, क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, फिर 2x है, 2x से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा। तुम लोगों तुम जैसे लोगों का आंसर भी आ जाएगा, पता है, कभी ना कभी आंसर जरूर मिल जाएगा। अबे ये लीनियर नहीं है, ठीक है ना, ये लीनियर फंक्शन ऑफ x नहीं है, ठीक है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा, ये लीनियर फंक्शन ऑफ x नहीं है। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दे रखे हैं ना, वहां पर आप जो है लीनियर कीड़ा कर सकते हो, ठीक है ना, यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, ठीक है ना, या रूट नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, रूट नहीं आएगा, आप करके देख लो ना, उसके अंदर क्वेश्चन टूल क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, चेन रूल नहीं लग रहा है वहां पर, क्वेश्चन टूल लग रहा है, जो तुमने इंटीग्रेशन निकाला है ना, सोच रहे हो दिमाग लग रहा है, क्वेश्चन टूल लगेगा ना, 2x से डिवाइड कर दिया है तो क्वेश्चन टूल लगेगा, लगाना क्या, चेन रूल है ना, चेन रूल के साथ सोचना है आपको। तो क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दिया, x की पावर 4 प्लस कितना आएगा 2x2 और प्लस 1, ठीक है, ऐसा आंसर चेक मत करने लग जाना आर्यन, ठीक है ना, कि आंसर तो आ गया सर मेरा, ठीक है ना, आंसर मत चेक करना ना, थोड़ा सोचो, ठीक है ना, बाद में काम आएगा ना, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x2 का आंसर आ जाएगा 2x3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते ना, ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स से रिलेटेड जो है सवाल समाप्त हो गए, ऐसा नहीं समाप्त, हाँ बोलो, कहां पर, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर जो समझदार है, ठीक है ना, एग्जामिनर समझदार है, ठीक है ना, आप ये क्यों भूल जाते हैं, उसने यहां पर 2 की पावर इसीलिए दी है क्योंकि वो जानता है, ठीक है ना, समझ गया ना, कि बच्चे को आंसर भी तो निकालना है, ये कैसे आंसर निकालेगा, कौन से गड्ढे में गिरेगा, ठीक है ना, उसने क्या मुर्गियां पकड़नी है, ठीक है ना, तुम्हें भी मुर्गियां पकड़नी है, तो सबको पकड़। आगे बढ़ते हैं, लिखो भाई, अगला बॉक्स बना देना, अगला बॉक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, ये होता है एल एन एक्स, ln ऑफ मॉड x प्लस सी, ln ऑफ मॉड है, मॉड 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 है, ठीक है ना, मॉड है, अच्छा इसी का b पार्ट है ना, इसी का b पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या लीनियर कर दिया ना, x की जगह क्या कर दिया, ax प्लस बी, ठीक है ना, ax प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ
मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ना डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, और यहां पर क्या है लीनियर का जो कोफिशिएंट है ए से मल्टीप्लाइड है, तो डिवाइडेड बाय करके आ जाएगा ना चेन रूल की वजह से, यहां पर डिवाइडेड बाय आ जाएगा प्लस सी। ये जो है हमारा अगला बॉक्स है ना, ये अगला बॉक्स है, ठीक है ना, ऐसा हाँ जी, इसमें कोई डाउट सुनाई नहीं दे रहा, कोई कुछ कह रहा था क्या भी? हाँ भी आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन। इस बॉक्स पर बेस है, इस बॉक्स पर बेस सवाल क्या हुआ क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 2 का रूट और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन बताना है। हाँ स्टार्ट करते हैं ना, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो क्या है स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना, लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा का रूट लिखा है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है ना, डी एक्स ना, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और टू मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, टू ही आ जाएगा। अच्छा अंडर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर कितना आएगा, मॉड थीटा, तो इसका मॉड तो क्या है पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ ये बनाओ क्योंकि दोनों नंबर क्या है इंडिविजुअली पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कितना आएगा 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है ना, डीएक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एलन ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 5 है ना, एक्स की पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2, सही हाँ जी, क्या आ जाएगा 1 अपॉन लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा एलन ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 2x, ठीक है ना, ये ठीक है ऐसा, और स्टैंडर्ड में लीनियर जो है किससे मल्टीप्लाइड है माइनस 2 से, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस 2 प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डीएक्स,
आज स्टार्ट करते हैं। क्या किया, प्लस वन माइनस वन कर दिया ना, ये थॉट कैसे आया, अभी नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है ना नीचे, ध्यान देखो, तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ऐसा, और माइनस आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, इसका डीएक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। अच्छा, वन अपॉन लीनियर बन गया, वन अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया ना, खट से वन अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन आएगा एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है ऐसा, और वन अपॉन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस इसका स्क्वायर लिखा ना, तो एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, ठीक है ऐसा, और प्लस आ जाएगा सी, ठीक है सर, ये माइनस वन कट जाएगा, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और प्लस आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, माइनस माइनस कट गया, ये क्या लिखा है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स कहां से, फिर उसके बाद एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर बनता, कैसे, अभी बन रहा है ना एक्स, अच्छा एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर, उसके लिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना होता ना, नीचे केवल एक्स कॉमन लिया, ठीक, हाँ किसका स्क्वायर बनाइए, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर बनाइए, फिर आंख मार दें हाँ भाई आगे लिखो, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, इस सवाल के जस्ट है ना जस्ट पास में लिख लो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, इसको फैक्टराइज किया ना, क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाय लिखा है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है ऐसा, क्या क्या न्यूमरेटर को है ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया डिफरेंस ऑफ है ना डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है ना, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया वन बाय टू, इंटीग्रेशन ऊपर लिखा है एक्स प्लस वन, माइनस लिखा है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है ऐसा डीएक्स, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब क्या किया, इसको जो है इंडिविजुअली डिवाइड कर लिया ना, इसको और इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लिया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो इंटीग्रेशन बनेगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहला वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन
माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एलन मॉड हाफ ऑफ एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस हाफ ऑफ एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। एलन ए माइनस एलन बी कितना आ जाएगा, एलन ऑफ ए बाई बी आ जाएगा, ठीक है ऐसा, प्लस सी भी आएगा ऑफकोर्स। तो फाइनल आंसर आ रहा है हाफ ऑफ एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना ऐसा, हाफ ऑफ एलन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, कम मॉड प्लस सी। अगला क्वेश्चन है और उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सामने आया है, ठीक है, वो बॉक्सेस तो याद रखने ही रखने हैं, वो तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, वो तो क्या आपको कदम कदम पर साथ निभाएंगे, ठीक है ना, पर ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल, ठीक है ना, दैट इज क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सही, करो, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला डिराइव करो, वो देखो लास्ट सवाल, ठीक है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। भाई कितना आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आएगा, ठीक है ना सर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या किया, टू ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ऊपर लिख लिया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो ये चीज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट गया, वन अपॉन एक्स माइनस ए आया, वन अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस वन बाई टू ए इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस ए डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वन बाई टू ए मॉड ऑफ एलन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, हाफ वन बाय टू ए एलन ऑफ मतलब वन बाय टू ए एलन ऑफ एक्स माइनस ए का अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन हाँ जी, ये दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, ये दोनों का फैक्टर आ रहा है x प्लस फाइव इंटू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है x प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू, ठीक है ना ऐसा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेवन आ रहा है, ठीक है ऐसा, तो सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ऊपर जो है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है x प्लस फाइव और माइनस x माइनस टू और डिवाइडेड बाय x प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डीएक्स, ठीक है ना सर, ये वाली चीज क्या बन जाएगा, एलन ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है ना, ठीक आ जाएगा वन बाय सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव कट गया, कितना बच जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टू, उसका इंटीग्रेशन आएगा एलन ऑफ मॉड ऑफ
x माइनस टू, और इसका इंटीग्रेशन रहेगा माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस फाइव, ठीक है ना, प्लस सी कर लोगे ना, 1/7 ln ऑफ मॉड ऑफ दिस अपॉन दिस करके आ जाएगा, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस थ्री dx, हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें न्यूमरेटर पार्ट में आप जो है x प्लस टू माइनस टू कर दो या प्लस थ्री माइनस थ्री कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा प्लस टू माइनस टू कर दो या प्लस थ्री माइनस थ्री कर दो, फंडा क्या है, कोई एक जो है डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, ऐसा तो x प्लस टू कर दिया तो क्या है x प्लस टू, ये तो कट जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस थ्री, ठीक है ना, dx ऐसा, और माइनस टू है ना, माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस थ्री, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन ना, केवल इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री माइनस टू, इसको क्या क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इन दोनों के डिफरेंस से, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस थ्री माइनस x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस थ्री, ठीक है ऐसा। अच्छा तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री माइनस टू, इसको डिवाइड किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ मॉड x माइनस थ्री माइनस टू ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ मॉड, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री, ठीक है ऐसा, प्लस सी आएगा कॉन्स्टेंट या भाड़ में, तो अभी लगा दो बाद में लगा दो, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री कितना जोड़ रहा है, थ्री टाइम्स, तो आपका आंसर आ रहा है थ्री टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री माइनस टू टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू, ठीक है ऐसा, प्लस सी है ना, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स, क्या इतनी जल्दी कैसे कर लिया,
हाँ स्टार्ट करते हैं। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, ठीक है ना, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, वन आएगा पहला टर्म, ठीक है ना, वन एन सी जीरो यानी कि फोर सी जीरो कितना आएगा, वन एक्स की पावर जीरो। फिर उसके बाद कितना आएगा, फोर सी वन, फोर सी वन कितना आएगा, फोर, फोर सी वन आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। फिर फोर सी टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, फोर सी टू का वैल्यू कितना होता है सिक्स, ठीक है ना, फोर सी टू इंटू एक्स। फिर आएगा फोर सी थ्री, फोर सी थ्री कितना आएगा, फोर, तो आ जाएगा फोर एक्स क्यूब। और आ जाएगा फोर सी फोर, फोर सी फोर कितना आएगा, वन, तो आ जाएगा एक्स की पावर फोर और डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एलन ऑफ मॉड एक्स, फोर एक्स अपॉन एक्स फोर आ जाएगा, फोर का इंटीग्रेशन आ जाएगा फोर एक्स सिक्स एक्स, तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, फोर एक्स स्क्वायर तो फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, रैशनलाइज कर दिया ना, रैशनलाइज कर दिया तो कितना आ जाएगा, रैशनलाइज करने के लिए क्या करें, टू एक्स प्लस थ्री का रूट माइनस टू एक्स माइनस थ्री का रूट है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री का रूट, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय सिक्स आ जाएगा, ऐसा ये आ जाएगा। अच्छा, वन बाय सिक्स तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, ये क्या लिखा, लीनियर है ना, ये क्या लिखा, लीनियर की पावर वन बाय टू ना, लीनियर की पावर वन बाय टू, तो क्या बन गया, की पावर एन वाला इंटीग्रेशन बन गया। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, वन बाय सिक्स तो बाहर आएगा, टू एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाय टू है ना, टू एक्स प्लस थ्री पावर वन बाय टू से कितना आएगा, पावर वन बाय टू प्लस वन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन आ जाएगा ना, वन बाय टू प्लस वन, ठीक है सर, सही है ना, कर लो सिंप्लीफाई। दूसरा वाला इंटीग्रेशन माइनस वन बाय सिक्स और आएगा टू एक्स माइनस थ्री की पावर अगेन थ्री बाय टू, थ्री बाय टू और डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, टू बाय थ्री आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टू बाय थ्री और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ये ध्यान रखना है, वन बाय नाइन आ जाएगा बेसिकली ना, वन बाय नाइन, टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय नाइन करके आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, अपॉन टू भी तो आएगा, अपॉन ये लीनियर जो है ना, ये टू अपॉन टू लीनियर का जो है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है टू, तो मल्टीप्लाइड है वन बाय टू और यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाय आएगा वन बाय टू, ठीक है ना, ऐसा लीनियर जो है वो टू से मल्टीप्लाइड है, लीनियर में एक्स का कोएफिशिएंट टू है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 3x+1 डीएक्स, सुनाई नहीं दे रहा, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तुमने ये बोला क्या? नो सर, क्या सर है, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा? अरे मेरे लाल हैं, मेरे हरे, मेरे नीले हैं, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्या हुआ? हाँ भाई, क्या क्या, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इंटीग्रेशन को, ठीक है सर, और उसके बाद जो है प्लस वन माइनस वन कर दिया, और अब क्या है, इस नंबर को जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3x+1 अपॉन 3x+1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये पूरी चीज आ जाएगी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x+1, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया ना, 1 आ जाएगा और यहां पर क्या है लॉक करके आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है ना, 1 का इंटीग्रेशन एक्स 1/3, और इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड ऑफ 3x+1, और स्टैंडर्ड में लीनियर का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहां पर क्या आएगा 1/3 भी आएगा प्लस सी, ठीक है ना, ऐसा ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/4x-1 dx, देखिए 4 से 3 तो क्या बाहर निकाल लिया, और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, पहले 3 निकाल लेते हैं बाहर, तो आ जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन x/4x-1, ठीक है, ऐसा डीएक्स, ठीक है ना, ये आएगा, फिर क्या 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसा, फिर उसके बाद क्या किया, इसमें -1 और +1 कर दिया ना, -1 और +1 कर दिया, इस नंबर को जो है इंडिविजुअली डिवाइड कर देना, तो 1 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और +3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x-1 डीएक्स, ठीक है सर, 3/4 का इंटीग्रेशन, 3/4 × 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, 3/4 × x और प्लस आएगा 3/4 और 1 अपॉन लीनियर का ln ऑफ मॉड ऑफ 4x-1, ठीक है सर, और 4x-1 है ना इसका, इसका इसकी वजह से कितना आ जाएगा 1/4 से, और डिवीजन होगा ना प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते ना, आगे लिखो, अगला बॉक्स चालू हो रहा है, थर्ड का ए इंटीग्रेशन है e^x dx, भाई e^x किसका डेरिवेटिव है, e^x, e^x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e^x आ जाएगा, ठीक है,
e की पावर x प्लस सी, ठीक है सर, e की पावर x प्लस सी आ जाएगा। अच्छा अगला, इसी के अंदर जो है x की जगह क्या एक लीनियर फंक्शन लिया है, ठीक है सर, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी, e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर थीटा डिवाइडेड बाय ना लीनियर, जब चेन रूल चलेगा तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय a करके आ जाएगा, ठीक है ना सर, और प्लस आ जाएगा c, ठीक है सर, ये आप एक बॉक्स बना लें, ठीक है सर। अगले बॉक्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड का ए था ना, ये पूरा जो है थर्ड का ए था, थर्ड का बी इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डीएक्स। अब भाई ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स एलएनए, यहां पर एलएनए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर क्या आएगा इसके इंटीग्रेशन में, यह आ जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एलएनए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एलएनए, क्योंकि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, एलएन तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, एक ही बार इसका डेटा जब लिखोगे ना, इसका डेटा लिखोगे तो एक ही बार एक ही बार एक्स मल्टीप्लाइड बाय एलएनए, वो एलएनए एलएनए कट जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा इसी में जो है लीनियर कर दिया, एक ही पावर लीनियर लिख लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू डीएक्स, यह आ जाएगा एक ही पावर थीटा एक ही पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एलएनए और लीनियर, ठीक है ना, लीनियर की वजह से जो है एक्स का जो कोफिशियंट है उससे और डिवाइड करना है प्लस सी। इन पर सवाल लिखते हैं ना, इन क्वेश्चंस पर, इस फॉर्मूले पर सवाल लिखते हैं, इंटीग्रेशन टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस फाइव की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन की पावर एक्स डीएक्स, हाँ स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर एक्स जो है कितना आएगा, 10 की पावर एक्स आएगा 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर एक्स, ठीक है ना, 2 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स, ये क्या लिखा है 2 की पावर एक्स इंटू 2 लिखा है, तो 2 की पावर एक्स तो कट जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर एक्स कट जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन 2 और अपॉन में जो 5 की पावर एक्स आएगा ना वो क्या लिखा हुआ है 5 की पावर है ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर माइनस एक्स, ठीक है सर, माइनस 5 की पावर एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, 5 की पावर एक्स कट जाएगा, नीचे 2 की पावर एक्स कट जाएगा और 5 की पावर माइनस वन कितना आएगा 1 बाय 5, 1 बाय 5 इंटू टू की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना सर, ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ जाएगा, 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा 5 की पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एल एन 5, डिवाइडेड बाय एल एन 5
और क्योंकि यहां पर जो लीनियर का जो कोफिशियंट है वो क्या है माइनस वन, तो माइनस वन से डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय माइनस वन या बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, ठीक है ना, ऐसा यह आ जाएगा। अच्छा माइनस फाइव, वन बाय फाइव, माइनस वन बाय फाइव, टू की पावर माइनस एक्स है ना, टू की पावर माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एल एन टू, और माइनस एक्स की वजह से क्या है डिवाइडेड बाय माइनस वन और आएगा, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस कर देना, ठीक है ना, ऐसा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर एक्स डीएक्स, क्या लिखा हुआ, पावर जो है सेम है ना, पावर सेम है, इसका मतलब क्या है बेस आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो पता है ना, पावर अगर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए ई की पावर एक्स डीएक्स, ठीक है ना, ऐसा। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया, इसका इंटीग्रेशन है ए ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर। एल एन ए कितना आ जाएगा, एल एन ए प्लस वन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टू की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स का स्क्वायर डीएक्स, सही है, सही है। इंटीग्रेशन आएगा, ये क्या लिखा है, फोर की पावर एक्स, इसका स्क्वायर कितना आएगा, फोर की पावर एक्स, इसका स्क्वायर आएगा नाइन की पावर एक्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, थ्री की पावर टू एक्स करके भी लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स की पावर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा फोर की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन फोर, इसका इंटीग्रेशन आएगा नाइन की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन नाइन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन सिक्स, ठीक है ना, ऐसा प्लस सी है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर थ्री एक्स प्लस ई की पावर फाइव एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या है इक्की पावर फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्की पावर फोर एक्स
मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x, और जब डिनोमिनेटर को ई की पावर 4x से मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर x इंटू ई की पावर 4x बन जाएगा ई की पावर 5x, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 4x कितना आ जाएगा ई की पावर 3x, ठीक है ना, ये उड़ जाएगा। ठीक है सर, क्या रहेगा, ई की पावर 4x ही लिखा हुआ है ना, ये जो है चमत्कारिक तरीके से ई की पावर 4x लिखा हुआ है, ई की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर 4x और डिवाइडेड बाय 4 है ना प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर तो भी आ जाएगा, आएगा ई की पावर 4x ही ना, कुछ और आ रहा है क्या फिर है? आना तो इसी को है ना, इसको आने से कौन रोक सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n मल्टीप्लाइड बाय x dx, इसका इंटीग्रेशन जैसे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो पावर m जो है मल्टीप्लाई हो रही है पावर x से, ठीक है सर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m की पावर x पावर की पावर मल्टीप्लाई, और क्या b की पावर n की पावर x, ठीक है ना, ऐसा पावर की पावर मल्टीप्लाई। अच्छा अब जो है ये क्या, ये बेस और ये बेस है ना, इनकी क्या है कॉमन पावर x आ रही है, ठीक है ना, कॉमन पावर, तो अपन क्या बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बेस को आपस में मल्टीप्लाई, तो ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर एन और की पावर कितना आ गया एक्स डीएक्स, तो क्या आ गया थीटा की पावर लीनियर बन गया, ठीक है ना, थीटा की पावर लीनियर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर एन की पावर एक्स, और ये वाली चीज ना, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय ना, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस, ठीक है ना, लॉग ऑफ बेस ln ऑफ आ जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n, ठीक है सर, प्लस c और आ जाएगा, ठीक है ना सर, दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। हाँ जी, अगला बॉक्स बनाते हैं, ये फोर्थ बॉक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। भाई साइन एक्स जो है किसका डेरिवेटिव है, अबे कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है सर, इसमें लीनियर दुनिया में जहां जाए एक्स एक्स की जगह जो एक लीनियर फंक्शन रख दिया ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय आएगा a प्लस c, ठीक है ना, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, सही बात है ना, cos का इंटीग्रेशन sin, और इंटीग्रेशन है ना इसके अंदर cos ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय सी आएगा, सॉरी ए आएगा और प्लस सी, ये पूरी चीज जो है बॉक्स बना लो। आगे आने वाले सवाल इन्हीं पर बेस्ड है, क्वेश्चन लिखो।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3x dx। हाँ भाई बताओ, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b ना क्या होता है? cos c प्लस cos d बता रहे हो तुम, पता है तुम्हें? और मैं पूछ रहा हूँ 2 cos a into cos b कितना आएगा? हाँ भाई तुम बताओ, 2 cos a cos b क्या आएगा? हाँ अमरीश बताओ, 2 cos a cos b क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है? तो क्या क्या, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 1 बाई 2 और 2, और 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी ना, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा कॉस 5x, और प्लस कॉस ए माइनस बी ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना? ये आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा, ठीक है ना? ऐसा तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हाफ ऑफ साइन ऑफ 5x और डिवाइडेड बाय 5 प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना? प्लस सी, ठीक है ना? ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? 4 आएगा, साइन 2x बाय 4, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है ना सर? ठीक आ जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है ना? 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है सर? ये आएगा। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लिख लेते ना, ये आ जाएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 2, और 2 कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना? प्लस सी, ठीक है ना? ये आपका आंसर। साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना, ठीक है ना? साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। और गिवन है कि साइन x प्लस कॉस x जो है पॉजिटिव है, साइन x प्लस कॉस x जो है वो दे रखा है पॉजिटिव है। अब क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना? वन क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन टू एक्स क्या है? टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना? तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डीएक्स, ठीक है ना? ऐसा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? मॉड करके, ये पॉजिटिव दे रखा है तो मॉड कैसे ओपन होगा? सेम साइन के साथ। तो ये सिंपली बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का साइन, ठीक है? माइनस ऑफ कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस सी। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्यूब डीएक्स।
हाँ जी, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला ना, साइन थ्री थीटा होता है साइन ऑफ थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। साइन थ्री थीटा होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है सर। तो यहां से साइन क्यूब थीटा जो उठा लिया तो साइन थीटा का क्यूब वो बराबर आ जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा और डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन यहां लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन क्यूब बन जाएगा थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय साइन थ्री एक्स डीएक्स, ठीक है ना ऐसा। तो थ्री बाय फोर तो बाहर आ जाएगा, थ्री बाय फोर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉज एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स और माइनस वन बाय फोर साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉज ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, सही है ना, ये आ जाएगा प्लस सी ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर फोर डीएक्स। साइन एक्स की पावर फोर डीएक्स, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन गलत है भाई, आपके आंसर में जो एलजेब्रा नहीं आ रहा ना, आपके आंसर में एलजेब्रा नहीं आ रहा, एक्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या आपका आंसर गलत है? तुम तो अरे वैसा एक्स ये क्या था इतने इमोशनल क्यों हो गए भी हैं? एक्स तो है अभी साइन, अरे यार साइन एक्स की बार है ना, साइन एक्स की बार फोर दे रखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू का स्क्वायर, ठीक है ना ऐसा। वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, ठीक है सर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देना तो वन बाय फोर आएगा, इंटीग्रेशन आएगा वन माइनस वन बाय फोर, इंटीग्रेशन आएगा टू कॉस टू एक्स प्लस वन बाय फोर, इंटीग्रेशन आएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर टू एक्स को लिख लिया, कॉस स्क्वायर टू एक्स को लिख लिया वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, कॉस स्क्वायर टू एक्स को लिख लिया वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, ठीक है ना डीएक्स, ठीक है सर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, ठीक है ना, वन बाय फोर और एक्स आ जाएगा माइनस, ये कितना आएगा, ये लिखा है वन बाय टू, ठीक है ना, वन बाय टू और अब कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस वन बाय फोर इंटू वन बाय टू, है ना, वन बाय फोर इंटू वन बाय टू आएगा वन बाय एट, वन बाय एट का इंटीग्रेशन आएगा वन बाय एट मल्टीप्लाइड बाय एक्स और कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाय एट, है ना, वन बाय एट मल्टीप्लाइड बाय कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स और डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है ना प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। एक्स का मतलब मेरा जो है वो इससे था ना, इससे था, ठीक है।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एक्स अरे घर जाके हंस लेना, सवाल करो। क्या रहा आंसर? सही है। प्लस एक्स आ रहा है ना, प्लस एक्स आ रहा है। बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हैं ना, बहुत सारे तरीकों से। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूं ना। कॉस टू एक्स को सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स की टर्म में लिखेंगे ना। कॉस टू एक्स कितना आ जाएगा, टू कॉस फोर एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आपको चलो वैसे ही कर लेते ना। एक दूसरा तरीका ये, वन माइनस कॉस एक्स को लिख लो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक और तरीका ये कि 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा है, आप कॉस टू एक्स को लिख लें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन जैसा यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, पर अपन पहले वाले तरीके से करते हैं। कॉस एक्स और इसकी जगह लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। इससे भी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर नीचे के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और कितना है प्लस वन माइनस वन। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय नीचे भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाएगा यहां पर एक रूट, तो कितना आ रहा है कॉस एक्स प्लस वन। कॉस एक्स का वैल्यू वन है ना, कॉस एक्स का वैल्यू वन, और कितना आ रहा है टू कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस वन, और आ रहा है टू कॉस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वन। दिख गया ना फैक्टर, आराम से दिख रहा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू वन जो है, ऊपर एक रूट आ रहा है ना, कॉस एक्स की जगह वन रखा, टू माइनस वन बन गया ना, कॉस एक्स माइनस वन आराम से एक रूट दिख गया डीएक्स। ठीक है सर, ये उड़ जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस वन, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 sin x, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ठीक है ना, फैक्टराइज हो गया, और cos x माइनस वन जो है वो फैक्टर कॉमन आ गया। होमवर्क लिखे आप, जीएन बर्मन। जीएन बर्मन पेज नंबर है 131। ठीक है, पेज नंबर 131 है। क्वेश्चन नंबर 1676 है ना, 1676 है।
1691 आप लिख लें ना, सवाल आप लिख लें, ठीक है ना, टिक कर लें। अगर आपके जीएन बर्मन, जीएन बर्मन लाए हो ना, मैंने कल बोला था ना जीएन बर्मन लाने के लिए, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1691 तक बोल दिया। 1702, 1702, 1702, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना, इतना काफी है।